हम भी लोकसभा के चुनाव में हमारा प्रत्याशी उतारेंगे और हम उनका समर्थन करेंगे और फुल उसका जोर शोर से सहयोग करेंगे। और उस स्थिति में हमें ये स्थिति पर कदम उठाना पड़ेगा। तो आने वाले चुनावों में आपका कोई प्रत्याशी उतरेगा? बिल्कुल उतरेगा, हम उतारेंगे फिर। हमारी और ये 400 हो रही है हमारे साथ में, तो हम उतारेंगे फिर, मजबूरी में उतारना ही पड़ेगा। है हमारे पास में वोट बैंक के 3,70,000 आदिवासियों के वोट, तो हम क्यों डरे किसी से, क्यों किसी के पीछे घूमे। पाली और नहीं, जालौर और सिरोही से उतारेंगे। अधिसूची दिनांक 12/2/1981 से अनुसूचित क्षेत्र घोषित किया गया था, जिसमें अनुसार राज्य के अनुसूचित क्षेत्र में कुल 5 जिले क्रमशः बांसवाड़ा संपूर्ण जिला है, डूंगरपुर संपूर्ण जिला है, उदयपुर है, आसिक और प्रतापगढ़ संपूर्ण जिला है, तहसील छोटी सादरी के अतिरिक्त भाग है, सिरे जिले के लिए केवल पंचायत समिति आबरूड लिया हुआ है। तो हम ये चाहते हैं कि सिरे संपूर्ण लिया जावे ताकि पूर्ण फायदा पूरे जिले को मिल सके। जिलेवासी को होली व शीतला सप्तमी की राम राम, हार्दिक बधाई। ये भील समाज की ओर से आने वाले लोकसभा के लिए कुछ भील समाज की ओर से निवेदन। मैं तलसाराम भील, जिला सिरोही जिला अध्यक्ष, आगे बोलो, आप पर्ची बोलो, आप पर्ची। मैं राजा राम पाली जिले से हूँ। हमारे बाबूजी ट्रस्ट बेल समाज पाली जालौर सिरोही, जिसका अध्यक्ष या सेवक के रूप में कहो, राजा राम गोगरा। और मैं सभी पहले तो धन्यवाद दूंगा पत्र महोदय से कि आप आए और हमारी पीड़ाओं को आपने सुनने का मौका दिया हमें। मेरी एक ही गुजारिश है कि जो भी सरकारें आती है और हमारे समाज को बेला पुस्ता कर वोट वगैरह लेके चली जाती है और कोई किसी प्रकार का आज दिन तक हमें तवज्जा नहीं मिलता है। तवज्जा कई प्रकार के हैं, जैसे नौकरी है, जैसे बेरोजगारी है, जैसे गरीबी है। वादे तो खूब करती है आने वाली सरकारों कि ये हम गरीबों के लिए ऐसे करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे, ये स्कीम चालू है, लेकिन ये ज़मीनी स्तर तक नहीं पहुंच पाती है, जिससे हम गरीब लोगों को ये देखने को मिला है। और मैं इधर उधर जाता रहता हूँ छोटे मोटे बड़े संगठनों में, तब समाज हमारी ये पीड़ा बताती है कि आज दिन तक हमें जो मूलभूत सुविधा मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिल पा रही है। तो ये सरकारें हमारे साथ में अन्याय करती है और ये वादे फूल करती है कि मैं हम इन समाज के लिए ये किया, इन समाज के लिए ये किया, लेकिन आज पाली जालौर के लिए मैं देखूं तो आज शिक्षा के क्षेत्र में सबसे नीचे है। कारण तो ये सरकारों की पता ही है, सरकारों को क्यों, कारण क्या है। तो कारण का वजह भी ये है कि जहाँ पे भील समाज के बच्चों की पढ़ाई होती है वहाँ पे अच्छे अध्यापक भी रखने की इनकी मंशा नहीं है, तो ये हमारे साथ में एक टरगात है। तो ऐसी स्थिति में हमें जो सुविधा मिलनी चाहिए वो सुविधा प्रदान की जावे, तो हमारे भी समाज आगे बढ़ पाएगी, नहीं तो अनपॉसिबल है, नहीं बढ़ पाएगी। और दूसरी बात है, जो पाली और जोधपुर संभाग में जो टीएसपी है, जो टीएसपी लागू होनी चाहिए, जो सरकारें वादा करती है कि हमने टीएसपी लागू की है, वो ऐसा किया, ऐसा किया, लेकिन जहाँ पे भील समुदाय के लोगों के गांव हैं वहाँ पे आज भी टीएसपी से वंचित है गांव। तो ऐसी स्थिति में उस गांवों को भी जोड़ना चाहिए। दूसरी बात है, जो हमारी पूर्व सरकार ने माडा योजना बनाई, ये जनजाति बोर्ड बनाया, तो उसमें भी हमारे पाली जालौर सिरोही से भी सदस्य नहीं है। तो
तो हमारी सुनने वाला वहाँ पे भी नहीं है। तो ऐसी स्थिति में वहाँ पे भी सदस्य होने चाहिए ताकि हमारे ज़मीनी स्तर, हमारे जिलों से, तहसील लेवल से हमारी कुछ सुविधा के बारे में वहाँ बता सके, नहीं तो हमें वहाँ से भी कोई पूरा सहयोग नहीं मिल पाता है। तो ऐसी स्थिति में सरकारों को ध्यान देना चाहिए कि भाई वास्तविक गरीब तो गरीब बनता क्यों जा रहा है। तो गरीब बनने का ये कारण है, इसलिए हमने इस मीडिया के माध्यम से और हमारे समाज के छोटे बड़े संगठनों से हमने आह्वान किया कि भाई ऐसी स्थिति अगर अपन के साथ में बनती रही तो अपन दिन दिन पिछड़ते जा रहे हैं। तो या तो सरकारें हमारी जो जो मांग है उस मांगों को घोषणा पत्र में ले और उसको लागू की जाए, अन्यथा आने वाले विधानसभा या लोकसभा, पंचायत समिति सदस्य जो भी चुनाव होंगे तो उसमें भी हम पील समाज के युवाओं को मैदान में उतारेंगे। ये है, जैसे अभी लोकसभा के हैं चुनाव है तो अच्छी बात है, चुनाव है अच्छी है, लोकतंत्र है चुनाव होना ही चाहिए। तो चुनाव में हमारे पाली जालौर सिरोही से 3,70,000 वोटिंग है पीलों की, लेकिन हमें ना समाज समझ कर कोई भी तवज्जो नहीं मिल पाता है। तो ऐसी स्थिति में हमारे समाज को आगे बढ़ावा देना चाहिए, तभी हमारी समाज शिक्षित और बेरोजगारी और गरीबी और नौकरी से सही सलामत रह पाएगी। जैसे नौकरी के बारे में है तो PSP अगर लागू हो जाए तो नौकरी भी हमारे गृह जिले में ही प्राप्त उसे मिल सकती है सुविधा, नहीं तो अन्य जिलों के लोग आते हैं और वो जो हमारा रिजर्व कोटा है उस कोटे में अन्य प्रभावशाली लोग हैं जो नौकरी हर हमेशा करते आए उन्होंने बड़े बड़े, तो उनसे हमारे बच्चों को पढ़ाई के संबंध में वो कंपटीशन नहीं कर पाते हैं। तो ये TSP लागू होने से हमारे हर गृह जिले के बच्चों को ये सुविधा, मूलभूत सुविधा मिल सकेगी। ये है, बाकी बाकी सब धन्यवाद। जैसे कृषि क्षेत्र में भी हमारे साथ हर कोई सरकार एक प्रकार से कुठारगत कर रही है कि हमारे 10 सालों से जो एग्रीकल्चर के लिए लोगों ने फाइल ST से अटकाई हुई है, लगाई हुई है, उनके अब तक कलेक्शन नहीं हो रहे। SC में मिल रहे हैं, हमारे लोगों को जनरल की कैटेगरी में लेके उनके साथ अब तक जो 10 सालों से कलेक्शन के लिए फाइलें लगाई एग्रीकल्चर के लिए, वो अब तक भी कलेक्शन नहीं हो रहे। इसके लिए भी ध्यान रखें। बस नहीं बोलो। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया हमारे लिए, बहुत हमारी समाज की तरफ से बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं, धन्यवाद देते हैं। हमारी ये टीम बाबूजी अध्यक्ष राजाराम जी, जिलाध्यक्ष तलसाराम जी, मैं आदिवासी विकास संस्थान राजस्थान प्रवक्ता के नाते वसनाराम राणा अखापुरा, समाज की जो पीड़ा है वो आप तक प्रकट कर रहे हैं ताकि कम से कम सरकार तक पहुंचे कि हमें क्या तकलीफ है। अब ये लोकसभा चुनाव है, कहते हैं मारवाड़ी में कहते हैं कि मोंगिया सुवाई तो माई नहीं गालते, तो कुछ तो मांगना तो पड़ेगा। हमारे हर क्षेत्र में देखो, बात करते हैं आरक्षण की, कि ST को तो आरक्षण मिला हुआ है लेकिन आरक्षण के नाम पे जीरो है। ST में भील मीणा ग्रासिया, लेकिन आज भी भीलों की संख्या नौकरियों में देखे तो जीरो है। बाहर से लोग आते हैं, या 2-3 साल नौकरियां करते वापस चले जाते हैं, यहाँ की स्थिति वो की वो। गांव में देखते हैं ज्यादातर ST, गांवों में देखा जाए तो शिक्षा बिल्कुल
जीरो के बराबर है। इसके अलावा बहुत सारी सुविधा नहीं मिल पा रही है, तो हम लोगों ने ये छोटी मोटी पहल की है सरकार तक आवाज़ पहुंचाने की। हमारी भी कुछ ही पीड़ा है, आप सुने, नहीं सुनेंगे तो हम हमारी भी कोशिश करेंगे कि हम भी हमारा कुछ कैंडिडेट उतारे या कोई ना कोई कोशिश करेंगे हमारे वोटों की थोड़ी गिनती तो बताए कम से कम। क्योंकि सरकार जैसे कि एससी वालों को तो कृषि कनेक्शन मिलता है, लेकिन हमारे एसटी भाइयों को जनरल की बराबर वही 10 साल का वेट करना पड़ता है। तो ये दोहरा रवैया है भाई। एक तरफ तो कहते हैं एससी एसटी एक ही है, इनके लिए वो स्कीमें लागू, वो स्कीम लागू, ये स्कीम लागू क्यों नहीं है? वो किसान है, खेती करता है, लेकिन वो 10 साल के लिए वेट करता है। तो ये सारी पीड़ाएं हैं। आज इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम आपसे ये बता रहे हैं कि सरकार तक ये बातें पहुंचाएं, ताकि हमारी इस पीड़ा को कुछ अमल में लिया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।